हेलो दोस्तों, अगर आप एक सी एस सी भी लिए हों और प्रज्ञा कंसन संचालक हैं और सी एस सी से आप आधार सेंटर चलाते हैं, तो कभी कभी आधार क्रेडेंशियल क्या करता होता है कि आधार इनरोल करने पर या के अपडेट करने पर आपका कैमरा काम नहीं करता है। तो दोस्तों, कैमरा को कैसे ठीक करना है, कैमरा इश्यू को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को दबा दीजिए ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले आपको मिलेगा। देखिए, मेरे चैनल में आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो है, तो देर ना करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा को दबा ही दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको और एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हम इसी नाम से एक वेबसाइट भी स्टार्ट किए जिसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा आर्टिकल है, जो कि सरकार के आने वाली योजनाओं का तथा जो चल रही है उसके बारे में बताया जाता है। सो इसको भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आधार कार्ड को ओपन कर लेते हैं, जो कि हम पहले से लॉगिन करके रखे हुए हैं। तो देखिए, इसमें कैमरा सेक्शन में जैसे जाते हैं तो कैमरा काम नहीं करता है, आप देख ही रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग सर्च बार में सर्विस टाइप करके सर्च कर लेंगे और सबसे ऊपर में ऑप्शन होगा आधार कैमरा। देखिए, नेम पे क्लिक कर दिए तो हाइड हो गया, नीचे चला गया, इसलिए उस पर क्लिक करने के बाद आइएगा ना, तो आधार कैमरा वेंडर पे राइट क्लिक करके स्टॉप करके स्टार्ट कर लीजिए या तो रिस्टार्ट कर लीजिए डायरेक्ट। अब जैसे ही इसको रिस्टार्ट कर लीजिएगा ना, तो कुछ इस तरह का आएगा। इसके बाद चलिए देखिए, फिर से आधार कार्ड सेंटर में चल जाते हैं तो कैमरा अभी तक नहीं आया है। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, 30 सेकंड का वेट कर लेना है। जैसे ही 30 सेकंड तक का समय लेगा तो आधार कैमरा काम करना स्टार्ट कर देगा। चलिए देखते हैं, अब आ जाना चाहिए। आ गया, देखें कैमरा इज लाइव नो। देखिए, अब कैमरा काम करना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, ठीक इसी तरह आप भी इस वीडियो को देख के फॉलो करके आधार के कैमरा को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा को दबा ही दीजिएगा।